हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स सामान्य ज्ञान बुक से विश्व भूगोल को। ये विश्व भूगोल का पार्ट वन है, जिसमें हम ब्रह्मांड, सौरमंडल और सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, चंद्रमा, धूमकेतु से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। दोस्तों, इस बुक में टोटल 3100 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके रेलवे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अब ये परीक्षाएं 2021 में हो, 22 में हो, 23 में हो, ये क्वेश्चन सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि रेलवे की परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, हमने जैसा कि देखा है। ये बुक आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, एएलपी स्टेज वन, एएलपी स्टेज टू के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस बुक में सामान्य अध्ययन के वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं, और 2019 की ऑनलाइन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल, जिसमें कि ब्रह्मांड से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, 13.7 बिलियन वर्ष। ठीक है, 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड ये इतना पुराना है। देखिए, यहां से आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे ब्रह्मांड से, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किसके द्वारा की गई, ठीक है, कई सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे, तो हम उसको भी जरा कवर कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिनमें महाविस्फोट या इसे हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, इसका मत का प्रतिपादन खगोलक एवं पादरी एवे जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया, और ये बेल्जियम के हैं। कब किया? 1960 से 1970 ईस्वी के बीच। देखिए, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में समस्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, तथा छोटे पदार्थ बड़े पदार्थों में परिवर्तित होने लगे, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया थी। ठीक है, अनंतता समस्त पदार्थ का एक केंद्र पर केंद्रित हो गए। अत्यधिक ऊर्जा वृद्धि के इस केंद्रित पदार्थ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा गया, एवं जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में केंद्रित पदार्थ चारों दिशाओं में फैलने लगा, तथा विखंडित पदार्थ में अभी भी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया चल रही है, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज ले मेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो देखिए, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है, तो इनका संबंध है दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत से, यानी कि बिग बैंग थ्योरी से। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा का यानी कि मिल्की वे का आकार कैसा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सर्पिलाकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है आकाश गंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार। देखिए, आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है। मंदाकिनी ताराओं का एक समूह है, जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का गैसीय पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेघला या फिर आकाश गंगा इंग्लिश में कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। याद रखेगा, इस मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्की वे क्या है? देखिए, अभी हमने पढ़ा है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से पढ़े। मिल्की वे क्या है? तो दोस्तों, ये है आकाश गंगा। ठीक है, मिल्की वे क्या है? आकाश गंगा। तारामंडल के नामांकन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ये तारामंडल के नामांकन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामांकन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। देखिए, इस संघ का उद्देश्य लिखा हुआ है, इस संघ का उद्देश्य खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। और याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई? 1919 में। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है?
तो राइट आंसर है दोस्तों 88। ठीक है, देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के हिसाब से 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के एक समूह को जो हमें एक ही तल पर स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। यार कहेगा सबसे बड़ा कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल। तारे मुख्यतः किस से बने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है दोस्तों, तारे मुख्यतः किस से बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। देखिए तारा मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70-90% तथा हीलियम 1-30% तक रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसने आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से कौन आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका रेग्युलर्स। ठीक है, ऑप्शन ए रेग्युलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। देखिए रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इनरेगुलर्स प्रमुख आकाशगंगाओं के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बियर नाम है एक, यानी कि ग्रेट बियर किसका नाम है? ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि गैलेक्सी यानी कि तारामंडल। देखिए तारामंडल को ही इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बियर ये एक गैलेक्सी यानी कि तारामंडल का नाम है। देखिए ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है, इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा सप्तऋषि तारामंडल किसे कहते हैं? ग्रेट बियर को, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखाई देता है। इसे फागुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर और 3 तिरछे रेखा में होते हैं। ठीक है, हव्वल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों हव्वल का नियम ये खगोल की से संबंधित है। ठीक है ना, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोल की से। चलिए देखते हैं इस नियम में क्या बताया गया। देखिए हब्बल का नियम खगोल की से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी हमसे जितना दूर होती है वह हमसे उतनी ही तेजी से दूर जाती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग मंदाकिनी और हमारी दूरी के समानुपाती होगा। इसे हब्बल का नियम कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से, देखिए हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15×10^9 वर्ष आंकी गई है। कितनी आंकी गई है? 15×10^9 आंकी गई है। अगला क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर है हीलियम। ठीक है ना, दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है ब्रह्मांड में? हीलियम। तो पहले पर कौन है? अभी हमने पढ़ा था, तो पहले पर है हाइड्रोजन। चलिए इसकी मात्राओं के बारे में देख लेते हैं, जिसके आगे आपको काम आएगा ये। देखिए ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम। तारे का औसत तत्वीय संगठन इस प्रकार होता है, ये तारे के बारे में बता रहा है। देखिए हाइड्रोजन होता है 70%, हीलियम 28%, कार्बन नाइट्रोजन तथा नियोन 1.5% और लोह वर्ग का तत्व है 0.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सीरियस ए। ठीक है दोस्तों, साइरस भी कहते हैं इसे, कहीं कहीं साइरस लिखा मिलेगा आपको, सीरियस या साइरस ए। ये रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा है। देखिए रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी है। ठीक है ना, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सीमा सेंचुरी। देखिए सेंटोरी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में, सेंचुरी भी लिखा मिलेगा, और कह रहा है जो कि अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो राइट आंसर है अंश एवं अपशेष। ठीक है दोस्तों, अंश एवं अपशेष को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं। जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही ब्रह्मवंश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। ठीक है,
देखिए, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुखता मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्षुद्र ग्रह की बात भी बता दी उसने कि क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, ठीक है ना, सूर्य के परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। आगे देखिए, तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि तारे किस कारण चमकते हैं, तो उनके ताप के कारण चमकते हैं ये। तारों का मुख्य संगठन क्या है, हाइड्रोजन व हीलियम। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र आदि। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न चुनिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नेपच्यून, मंगल, शनि, ये सब तो समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन लुब्धक ये क्या है। अब हिंदी में लिख के दे दिया उसने, तो यहाँ पर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो याद रखिएगा, लुब्धक इसको इंग्लिश में कहते हैं साइरस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना साइरस तारा, सीरियस तारा, साइरस कह लीजिए चाहे सीरियस कह लीजिए, बात बराबर। तो सीरियस तारा या लुब्धक एक ही बात है, इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, कैसे अलग होगा अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लुब्धक यानी कि सीरियस सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सीरियस ए सूर्य से दुगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महास्वयन तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी सौर मंडल के ग्रह हैं, ठीक है ना, मंगल, शनि, नेपच्यून, ये सब ग्रह हैं और लुब्धक ये एक तारा है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहते हैं नेब्यूला, ठीक है ना, नेब्यूला कहा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं, नेब्यूला। देखिए नेब्यूला यानी कि निहारिका, हिंदी में कहते हैं निहारिका और इंग्लिश में नेब्यूला। नेब्यूला अंतर तारिकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारिकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोमेडा क्या है। देखिए सारे ही क्वेश्चन आपको कठिन जरूर लग रहे होंगे क्योंकि आप नॉर्मली क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ग्रह, उपग्रह, ठीक है ना। हम लूसेंट, हमारे यहाँ लूसेंट सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आपको बाजार में और भी बहुत सी किताबें मिलेंगी जहां इनके बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, इनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि देखिए सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में दोबारा रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए एंड्रोमेडा क्या है, तो यह दोस्तों मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ठीक है। एंड्रोमेडा क्या है, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। देखिए एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगा हैं जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेघला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, ये भी इसने बता दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। देखिए अभी हमने पूरा का पूरा व्याख्या इसकी पढ़ी है बहुत अच्छे से, आपको याद हो गया होगा। तो कह रहा है कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है, तो यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी कि ऑप्शन सी। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये संख्या बताई गई थी 4। कितनी बताई गई थी संख्या, 4। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन से आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए क्या है ये, जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा खोजे गए गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई। बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार हैं, देखिए कैसे हैं, इनके नाम हैं गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो आदि हैं, तथा सभी उपग्रह में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए गैनीमीड भी कहते हैं इसे, गैनीमीड भी कहते हैं, ठीक है ना, बुकों में। तो गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस तरीके या बुझाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाया जाता है दोस्तों घुमावदार द्वारा, ठीक है ना, आकृति पूछ रहा है ये, घुमावदार आकृति के द्वारा वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। देखिए मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेघला में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेघला को सर्पिलाकार यानी कि घुमावदार अथवा कुंडली आकृति से दर्शाया है। उत्तर आकाशीय हेमी स्पियर
के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ग्रेट बियर के बारे में भी हमने पढ़ा भी था, तो इसका सही आंसर है उर्सा मेजर। ठीक है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर को। देखिए उत्तर आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। साइरस तारे को लुब्धक भी कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं साइरस तारे को लुब्धक। जिन तारों का प्रकाश सूर्य से कम होता है उन्हें वामन तारा कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभि के संलयन से है, याद रखिएगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत किससे होता है? नाभि के संलयन से। और ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, आगे आपके काम आएगा। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य अपने अक्ष पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो देखिए यहां पर आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है ना, खगोलीय पिंड कौन नहीं है? समुद्र। देखिए सूर्य ग्रह तारे ये सभी खगोलीय पिंड हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। देखिए कौन कौन शर्त हैं? जो सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। इस प्रकार सूर्य तारे और ग्रह खगोलीय पिंड हैं तथा समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो देखिए चांद, मंगल, बृहस्पति। बात यहां हो रही है चमकने की, तो चमकता कौन है दोस्तों? तारा। ठीक है, याद रखिएगा चमकता कौन है? तारा। अब आप कहेंगे चांद भी चमकता है, लेकिन तेज कौन सा चमकता है? तारा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, यहां पर आपको तारों में भी बहुत सारे तारे हैं जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चांद नहीं दिखेगा आपको, अगर आप छोटा सा कॉन्सेप्ट बेसिक से समझना चाहें, खुद एक प्रैक्टिकल देखें, आप देखेंगे चांद नहीं दिखेगा लेकिन तारे आपको जरूर दिखेंगे, वो हमेशा चमकते रहते हैं। देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, याद रखिएगा। दुग्ध मेघला मंदाकिनी का ही एक भाग है जो रात्रि के समय दिखने वाले तारों का समूह है। तारों का अपना ऊर्जा तथा प्रकाश होता है जो रात्रि में चमकते हैं। ठीक है, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो अभी तक आप साइरस पढ़ते आ रहे थे, याद रखिएगा इसी को डॉग स्टार कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार कैसा होता है? तो देखिए यहाँ कह रहा है गोलाकार, पैराबोलिक, शंक्वाकार, अंडाकार। तो ये होता है दोस्तों अंडाकार। ठीक है, ग्रहों के ग्रह पथ का आकार कैसा होता है? अंडाकार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको व्याख्या दी गई है इस क्वेश्चन की। देखिए ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग अंडाकार है। अब देखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्या क्या है? सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, वर्षा की अवधि का निर्धारण, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ध्रुवों पर 6-6 महीने दिन व रात, धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण और दिन व रात का छोटा बड़ा होना। उस निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है कक्षा। ठीक है, याद रखिएगा कक्षा किसे कहते हैं? उस निश्चित मार्ग को कक्षा कहते हैं जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। अब देखिए सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों सौरमंडल। ठीक है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? सौरमंडल। देखिए सूर्य और उसके परिक्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे तथा अन्य धूली मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को समापन के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह नहीं है। ठीक है ना, प्लूटो को सौरमंडल की श्रेणी हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2006 में। तथा सौरमंडल में अब केवल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सौरमंडल में आपके? 8 ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो राइट आंसर है दोस्तों ग्रह। ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करते हैं? ग्रह।
देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब इनके नाम याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अतिरिक्त 3 बौनी ग्रह भी हैं। तो अब तीन, देखिए ये तो आप बता देंगे भाई, ग्रह हैं बुध, शुक्र, ये तो आप बता देंगे, लेकिन 3 बौनी ग्रहों के नाम याद रखिएगा। प्लूटो को बौनी ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, सेरस और एरिस ये बौनी ग्रह हैं। अब देखिए, सौर मंडल के 4 आंतरिक ग्रह भी होते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए, कोपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और इसके और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। किसने बताया? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का हीलियोस्ट्रेक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया दोस्तों निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? निकोलस कोपरनिकस ने। देखिए, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ से सूर्य के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। सूर्य का प्रमुख तत्व है, तो दोस्तों सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हीलियम भी होता है, हीलियम से मिलके बना है ये हाइड्रोजन हीलियम से, लेकिन हीलियम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर हीलियम भी होता अगर ऑप्शन में, तो हम हाइड्रोजन को ही हम वरीयता देते, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है हीलियम की अपेक्षा। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में आएंगे तो हाइड्रोजन को हम मान्यता देंगे। कह रहा है प्रमुख तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि लगभग 70-71% होता है हाइड्रोजन। देखिए, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है, ध्यान रखिएगा, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% उपस्थित होते हैं। अब देखिए, सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसे हिंदी में क्रोड कहते हैं। ठीक है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहते हैं इसको? कोर या फिर क्रोड, हिंदी में क्रोड, जिसका तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सी होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सी होता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सी। कौन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। अभी हमने पढ़ा था 71% हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन है सूर्य में? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सही आंसर इसका 32। ठीक है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी द्वारा अवरोध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? तो देखिए, यहाँ पर MW दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये MW का मतलब है मेगावाट। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1.8 × 10⁻¹ मेगावाट। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर द्वारा अवरोध सूर्य की शक्ति है ये लगभग में। देखिए, पृथ्वी द्वारा अवरोध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 × 10⁻¹ मेगावाट है। सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सौर प्रज्वला। ठीक है, सौर प्रज्वला कहते हैं दोस्तों इसे। देखिए, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को सौर प्रज्वलक विस्फोट कहते हैं, तथा सूर्य की सतह के किसी स्थान पर अचानक पड़ने वाली चमक को सौर प्रज्वलक कहा जाता है। यह प्रकाश वर्णक्रम के बहुत बड़े भाग के तरंगदैर्ध्य पर उत्पन्न होता है, जिससे सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बाहर फेंक दिए जाते हैं, जो सौर मंडल में तेजी से फैल जाती है, और इसके बादल बाहर फेंके जाने के 1 या 2 दिन बाद पृथ्वी पर तक पहुंच जाते हैं, जिससे दूर संचार प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे कह रहा है अनुमानित दूरी, तो देखिए राइट आंसर है 14.9×10⁷ किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 14.9×10⁷ किलोमीटर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी है। ठीक है, इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, 14
करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा भी भाषा में लिख के आ जाएगा लाख करोड़ में, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर से कह सकते हैं आप, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी औसतन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, मैंने आपको अभी बताया था, होती है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार 900 किलोमीटर तथा पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अधिकतम कितनी? 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आप यदि ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम होगा तो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक सीध में होते हैं, ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक सीध में होते हैं तब होता है सूर्य ग्रहण। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण यह हमेशा अमावस्या को होता है। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा अमावस्या आ गई ना, तो इसको याद रखिएगा, क्या है ये? सूर्य ग्रहण, ठीक है, पूर्ण है ये, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब है? अमावस्या को। चलिए बात करते हैं मरकरी की, यानी कि बुध ग्रह की। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया गया है एक एक ग्रह को, तो आप अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। देखिए सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इनमें से सबसे नजदीक है दोस्तों बुध, ठीक है ना, ऑप्शन बी, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो यह है बुध। देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये आपके आगे समय में काम आएगा। अभी क्वेश्चन में देखिए सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक कक्षीय गति वाला बुध, जो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में अर्थात 88 दिन में पूरा करता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन करता है? बुध, 88 दिनों में। इसका क्रोड लोहे का बना है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए याद रखिएगा, शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। ठीक है, बुध में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए अभी हमने पढ़ा था, आप लगा सकते हैं आंसर, सही आंसर है बुध ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, पहले एनटीपीसी स्टेज वन में सेकंड शिफ्ट में आया, फिर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है बुध, ठीक है, ऑप्शन सी। और इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक होता है ये, और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, तो देखिए दोस्तों वामावर्त, अभी मैं आपको समझाता हूं क्या है ये। देखिए तो आंसर है इसका शुक्र, ठीक है ना, यानी कि सभी ग्रहों के विपरीत चल रहा है एक तरह से ये, ठीक है ना, तो सभी ग्रहों के वामावर्त परिक्रमा कौन करता है सिवाय एक के? शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आगे चल के डिस्क्रिप्शन आपके काम आएगी। शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह यानी कि 6 के 6 वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, इस बात को याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद भी होंगे ये फैक्ट, लेकिन दोबारा फिर से पढ़ लीजिए, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है?
तो सही आंसर दोस्तों शुक्र। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में नाम दिए हैं यानी कि वीनस, ऑप्शन सी। ठीक है, वीनस को ही हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसका आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। ठीक है, देखिए शुक्र यानी कि वीनस पृथ्वी के आकार के समान है। इसे चमकीला तथा ग्रह गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र यानी कि वीनस को चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। इसे पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहा जाता है यानी कि पृथ्वी की बहन, क्योंकि यह घनत्व आकार व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हो गए जिनके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रायः संध्या का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, संध्या का तारा या सांझ का तारा, ठीक है, संध्या कह लीजिए या सांझ कह लीजिए, ठीक है, इसे किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है? देखिए अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे उपग्रह नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए उसको चंद्रमा भी कहते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखिए बुक में उसने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में उपग्रह लिख दिया है। ठीक है ना, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है ना, शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। अब यहां अगर बुध भी आता, देखिए दो ऑप्शन इकट्ठे नहीं डाल सकता वो, कि दोनों के पास ही नहीं होते। ठीक है ना, या तो शुक्र आएगा ऑप्शन में या तो बुध आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? देखिए राइट आंसर है शुक्र ग्रह। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है ये, शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। देखिए शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र रखा गया। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम में घूमता है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम में घूमता है अपने अक्ष पर, इसलिए यह पश्चिम में सूर्योदय तथा पूरब में सूर्यास्त होता है। यहाँ पर यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% के लगभग सबसे अधिक है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। किसे? शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है? देखिए दोस्तों, ऊष्म कह लीजिए या गर्म कह लीजिए, बात तो एक ही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शुक्र। सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, पहले आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, फिर दोबारा से पूछा गया आरआरबी जेई में। सौरमंडल का अत्यंत ऊष्म ग्रह कौन है? देखिए ऊष्म, अत्यंत ऊष्म, ठीक है, तो वो कौन है? शुक्र ग्रह यानी कि ऑप्शन ए। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था 97% है यहाँ पर। ठीक है ना, वीनस ग्रह पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी बताई थी मैंने अभी आपको? 97%, यही लिखी थी डिस्क्रिप्शन में, हमने पढ़ी थी। देखिए शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष भी याद रखिएगा नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो सही आंसर है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, ठीक है, सही आंसर है चपटा गोल। ठीक है ना, पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल। देखिए पृथ्वी का आकार, यदि आप अपने दिमाग से सोचेंगे, किताबों में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, तो बच्चे क्या कहेंगे? अंडा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में ऐसे शब्द लिख के नहीं आते अंडा। देखिए कितना कंफ्यूज कर रहा है, पूर्ण गोलार्ध, पूर्ण गोल, अत्यधिक चपटा, किस तरह से कंफ्यूज कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा चपटा गोल यहाँ इसने दिया है, एनसीईआरटी के अनुसार चपटा गोल है ये, रेलवे के अनुसार चपटा गोल। ठीक है, पृथ्वी का आकार, तो देखिए पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। पृथ्वी की आकृतियां अंडाकार, भौगोलिक अक्ष में चिपटी हुई और भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई प्रतीत होती हैं। अब यहां से याद रखिएगा इसका विषुवतीय व्यास, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर। कभी कभी यहां पर ऐसा लिखे मिलेगा आपको, ऐसा लिखा 12,756 भी दे देता है कभी कभी। ठीक है ना, तो करेक्ट कितना है? 55.6, कभी कभी 56 भी दे देता है ये। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712। अब देखिए एग्जाम में इन दोनों का अंतर पूछ लेता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर बताइए, समझ रहे हैं आप, इसका अंतर पूछ लेता है वो, तो अंतर आता है इसका 43 किलोमीटर का दोनों में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? दोस्तों पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह ये है, एक है केवल। ठीक है ना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह केवल एक है,
ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। सॉरी दोस्तों, पृथ्वी नहीं है, धरती है, माफी चाहूंगा आपसे। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, ठीक है ना, तो एक है दोस्तों। धरती का प्राकृतिक उपग्रह कितना है, एक, माफी चाहूंगा, धरती का प्राकृतिक उपग्रह कितना है, एक। देखिए धरती का प्राकृतिक उपग्रह एक है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है, ठीक है, जिस पर जीवन संभव है, और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। किसका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन है। तो अभी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, सबका मालिक, यानी कि आप कहें तो मुखिया एक तरह से, ठीक है ना, पूरे सौर मंडल का मुखिया कौन है दोस्तों, सूर्य। एग्जाम में पूछ भी लिया था, लूसेंट में आगे शुरुआत करेंगे अगर भूगोल की, तो वहां लिखा है सूर्य मुखिया है सौर मंडल का, ठीक है। तो वही तो कह रहा है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जाओं में सबसे अधिकतर ऊर्जाओं का संबंध सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से होता है, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित इन उन ऊर्जाओं के लिए सूर्य एक कारक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है, यानी कि लगभग में पूछ रहा है, तो आंसर है 21%, ठीक है, 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब करीब यानी कि लगभग में कितना है, 21%। देखिए और भी याद कर लीजिए, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, हीलियम पूछ लेता है, ओजोन पूछ लेता है। तो देखिए वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, कितना है, 78। इसके बाद क्रमशः देखिए ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, नियॉन है 0.0018% और हीलियम है 0.0005%, ओजोन कितना है 0.00006% और हाइड्रोजन है 0.001 आदि गैसों का यहाँ पर स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये दोस्तों बराबर होगा शून्य के, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, शून्य के। देखिए वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो आप कुछ यहाँ पे, आप यहाँ पर आपको कुछ भी दे दे वो फिर इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में के बाद किसी पिंड के द्वारा कुल कार्य शून्य होता है, अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किए गए कार्य शून्य के बराबर होगा। चंद्रमा का परिक्रमण काल पृथ्वी के समान दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होता है। नीचे के शब्दों में किस का संबंध दूसरों से नहीं है, यानी कि एक दूसरे में, यानी कि इसमें से आपसे कह रहा है कि भिन्न छांटी है, यानी कि विषम बताना है आपको। तो सही देखो दोस्तों क्या है इसमें, धरती, ठीक है ना, शनि शुक्र और बृहस्पति, ठीक है ना, और धरती, ये अलग है। अब किस प्रकार अलग है, चलो देखते हैं हम। देखिए निम्न नीचे दिए गए ग्रह शनि पृथ्वी शुक्र बृहस्पति में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी का मतलब क्या है इसका, पृथ्वी का कहने का मतलब है इसका धरती, ठीक है ना, पृथ्वी का मतलब इसका धरती। तभी तो कह रहा है, देखिए शनि पृथ्वी शुक्र बृहस्पति में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, ठीक है, जबकि अन्य ग्रहों पर जीवन का अभाव पाया जाता है। अतः यह धरती शब्द का संबंध अन्य दूसरे शब्दों से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों यह है ग्रह, ठीक है ना, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, तो पृथ्वी है ग्रह। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, देखिए यहां पर आपको सिखा रहा है, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पास में कौन सा हो गया, इसके हिसाब से बुध हो गया और वरुण सबसे दूर हो गया। अब देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य से। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं, सही बात है दोस्तों, जहां इंसान रहेगा वो अद्भुत ही कहलाएगा, ठीक है ना, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। ये मैं मजाक कर रहा था आपसे, माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से अद्भुत कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं, एग्जाम में पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है।
पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जहां पर आंकड़े संख्याएं दी जाएं इनको आप रट लीजिएगा भूगोल में, ठीक है ना। पूछता है एक दो क्वेश्चन ऐसे क्योंकि, तो आप आंसर इसका 6×10^24 किलोग्राम, ठीक है, 6×10^24 किलोग्राम ये पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग में। किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता बल्कि द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार लगभग 6×10^24 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले हुआ ग्रुप डी की थर्ड शिफ्ट में, फिर हुआ सेकंड शिफ्ट में, तो बुक में डाल दिया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 6×10^24 किलोग्राम। अब आपको यहाँ से ये बार बार आप रिपीट कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान है, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया। पिछली बार जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन छोड़े थे, वहाँ बच्चों के कुछ कमेंट आए सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन चार चार बार रिपीट वहाँ मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से क्वेश्चन हटा दिए थे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं इन क्वेश्चनों को नहीं हटा रहा हूँ, जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो पूछा गया है 57 में पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6×10^24 किलोग्राम। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, नेपच्यून ये होता क्या है, ये है दोस्तों वरुण ग्रह, ठीक है। बहुत से बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है हिंदी मीडियम के, नेपच्यून बोल दिया उसने तो भैया कौन सा ग्रह आ गया, जी वरुण आ गया कि अरुण आ गया, तो वरुण है नेपच्यून, ठीक है। इसको आप कैसे भी अपने माइंड में घुस डालिए, कुछ भी ट्रिक बनाइए, कैसी भी बनाइए, लेकिन नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी, ठीक है। वरुण के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, तो पृथ्वी। इसी को तो कहते हैं दोस्तों नीला ग्रह, किसे पृथ्वी को नीला ग्रह नहीं कहते, कहते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए नेपच्यून वरुण के अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का कुल 71% भाग जल से ढका है, इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है और सौर मंडल से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो आंसर है दोस्तों सूर्य, ठीक है ना, ऑप्शन सी, पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। अब जरा देखते हैं हम इसको किस प्रकार से। देखिए पृथ्वी का जल चक्र सूर्य पर संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्र, नदियां एवं झीलें इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीकृत होता है और वायुमंडल में बादलों का धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यह जल नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः बाष्पीकरण होता है और जल चक्र का यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बात करते हैं मंगल ग्रह की, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही ज्यादा। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहते हैं? तो हमने पहले ही आपको बता दिया मंगल ग्रह की बात करते हैं, तो आप आंसर लगा सकते हैं, सही आंसर है मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? तो देखिए मंगल ग्रह के बारे में बहुत सी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, इम्पोर्टेंट है सारा का सारा। और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा लूसेंट, जीएस पॉइंटर, सार संग्रह सबका जीके उठा के इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, तो पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके काम आएगा। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। आने वाले समय में मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक भी करवाऊंगा इन सब चीज़ों के, बहुत जल्दी हम एक ट्रिक की सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल के जितने भी ज़्यादा ट्रिक हो सकते हैं, जिनसे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि चट्टाने हैं, कौन सी अग्नेय चट्टान है, रूपांतर चट्टाने हैं, इस प्रकार से, और सूर्य से दूरियां बताइए, इस प्रकार की जितनी भी अच्छे से अच्छी ट्रिक हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे आने वाले समय में, एग्जाम से पहले। लेकिन आपके देखिए मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 ध्रुव में पूरा करता है, इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कितने दिनों में परिक्रमा करता है सूर्य की, 687 दिन में। अब देखिए आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है, इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है, ठीक है, घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है, याद रखिएगा।
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा था गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है, और सबसे छोटा है डीमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो कि किसका ग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है जो कि किसका ग्रह है, मंगल का। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, ठीक है ना, मंगल पे ही है सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे आपको और भी दे रखे हैं, बुध के बारे में भी दे रखा है, देखिए पढ़ लीजिए इनको भी। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, पहले भी हम पढ़ चुके थे। शुक्र के बारे में फिर से दे रहा है, यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा 243 दिनों में पूरा करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। इसके बाद इसने दिया है पृथ्वी के बारे में, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। यह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, कौन, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रमा का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप, उपग्रह, ठीक है ना, उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि 2, और इसके नाम भी अभी मैंने आपको बताए थे, डीमोस और फोबोस। क्या नाम थे इसके, क्या नाम थे, फोबोस और डीमोस, क्या थे, डीमोस और फोबोस, क्या थे ये, मंगल ग्रह के चंद्रमा यानी कि उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 62 है, मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों लाल ग्रह, ठीक है ना, ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक ग्रह लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों अच्छे से, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी कि मंगल ग्रह। देखिए मंगल ग्रह का लाल रंग लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल है, जिसके कारण वहां की मिट्टी लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरी नेरिस है, इस बात को याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरी नेरिस है। क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो देखिए चंद्रमा का मतलब है उपग्रह की, उपग्रह कह रहा है, ठीक है, किस ग्रह के उपग्रह का नाम गैनीमेड है। तो राइट आंसर दोस्तों बृहस्पति यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों, बृहस्पति के उपग्रह का नाम गैनीमेड है, याद रखिएगा ये सबसे बड़ा है गैनीमेड उपग्रहों में, ठीक है ना, सबसे बड़ा है। देखिए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। अन्य महत्व उपग्रहों में हिमालय, यूरोपा, आयो, लो, कैलिस्टो, पार्सिफाई आदि प्रमुख हैं। गैनीमेड एवं यूरोपा उपग्रह पर बर्फ है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, गैनीमेड एवं यूरोपा उपग्रह पर बर्फ है जिसके नीचे पानी का भंडार है। यूरोपा पर तरल जल है तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर सारे के सारे बताए थे, इसके अभी भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सामने, ठीक है ना, सबके नाम लिखे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसने क्या कहा, बृहस्पति का कौन सा चंद्रमा नहीं है, तो सही आंसर है टाइटन, ठीक है दोस्तों, टाइटन नहीं है। बाकी देखिए आईओ, यूरोपा, गैनीमेड, ये सभी बृहस्पति के चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर है बृहस्पति, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर चार नाम दिए हैं, इनमें से बता रहा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है पृथ्वी से, बृहस्पति होगा यानी कि ऑप्शन बी। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है, तो राइट आंसर है बृहस्पति, ठीक है दोस्तों, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाने जाने वाला तूफान किस ग्रह संबंधित है, बृहस्पति से। देखिए ग्रेट रेड स्पॉट उच्च दाब वाला एक सतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषमता वाले तूफान का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं, तो राइट आंसर है बृहस्पति, ठीक है याद रखिएगा, इसका रंग है नारंगी और इस पर सफेद रंग की धारियां हैं, ये कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बृहस्पति को शनि, अरुण, वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इन ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है, कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, कह रहा है ना किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। यम, यम का मतलब है प्लेटो, ठीक है, प्लेटो जिसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया। पहले कितने ग्रह थे? 9 थे, लेकिन यम यानी कि प्लूटो को हटा दिया गया तो 8 ग्रह बचे हैं। देखिए यम यानी कि प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टेम्बेग ने किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाम याद रखिएगा इनका। प्लूटो की खोज किसने की थी? 1930 में हुई, याद रखिएगा, क्लाइड डब्ल्यू टेम्बेग ने किया। पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से दूरस्थ ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लेटो को अब नया नाम क्या दिया है? 13430, ठीक है ना। प्लेटो को क्या नाम दिया है? 13430 नाम दिया है। प्लेटो के उपग्रह भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा क्या क्या है, याद रखिएगा, आगे आगे काम आएंगे। देखो प्लेटो के उपग्रह यानी कि चंद्रमा कौन कौन से हैं? चेरान, निक्स और हाइड्रा को हैं, और इनको क्रमशः नाम भी दिया गया है। देखिए क्रमशः मतलब क्रम से नाम दिया है। चेरान को नाम दिया है 13430 1, निक्स को दिया गया है 13430 2, और हाइड्रा को नाम दिया गया है 13430 3 के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के चांद का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर चार नाम आपको दे दिए। मैंने आपसे क्या कहा था जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए तीन थे, चेरान, निक्स, हाइड्रा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए सही रहेगा इसका मतलब, ठीक है ना। प्लेटो के चांद यानी कि उपग्रह कौन है? चेरॉन, चेरॉन ये प्लेटो का उपग्रह है यानी कि चांद है। किस ग्रह को बौना ग्रह यानी कि डार्फ प्लेनेट भी कहा जाता है? तो दोस्तों बौना ग्रह कहते हैं प्लेटो को यानी कि यम, ऑप्शन ए, ठीक है ना। प्लूटो लिखा है, प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं। क्या? बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो को। देखिए प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। यम या प्लूटो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? तो सही आंसर है प्लूटो यानी कि ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर है प्लूटो यानी कि ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, तो बार बार एग्जामिनर ने भी रिपीट किए हैं, तो बुक में भी दिए हुए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बार बार पढ़िए इनको तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, अब बच्चा सोचेगा कि यूरेनस होता क्या है, वरुण होता है कि अरुण होता है, क्योंकि हम तो भैया हिंदी में पढ़ के गए थे, अरुण पढ़ के गए, वरुण पढ़ के गए, ठीक है, यहाँ पे लिख के दे दिया यूरेनस। तो मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़े समय पहले कि यूरेनस और नेपच्यून को अच्छे से याद कर लीजिएगा किसी भी प्रकार के अपने दिमाग में ट्रिक बनाकर कि कौन सा अरुण है कौन सा वरुण है। तो यहाँ बात कर रहा है अरुण ग्रह की, ठीक है, यूरेनस को अरुण ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। तो सही आंसर इसका सर विलियम हार्सेल, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 100% बच्चों को मिला भी है, ठीक है, बच्चों को मिलता भी है क्वेश्चन, और बाद में भी इसके पूछने की संभावना है। सर विलियम हार्सेल, इन्होंने यूरेनस की खोज की थी। तो देखिए अरुण यानी कि यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य का सातवां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा बड़ा, और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में खगोल शास्त्री सर विलियम हार्सेल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खगोल शास्त्री ने प्लेटो ग्रह का पता लगाया था? अभी हमने पढ़ा भी था दोस्तों उसको, ठीक है ना। तो इनका पूरा नाम क्या था? क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बेग यानी कि ऑप्शन डी, इन्होंने प्लेटो यानी कि यम ग्रह की खोज की थी। देखिए क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बेग ने प्लेटो ग्रह का पता लगाया था न्यू होराइजंस अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। नासा का एक अंतरिक्ष शोध यान है ये, जो प्लेटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, ठीक है, प्लूटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था यह यान। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था, जो 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक से होकर गुजरा। अब देखिए एग्जाम में पूछ लेगा कि किसने यान भेजा था, ठीक है ना, प्लूटो ग्रह के लिए, तो ये नासा, ठीक है दोस्तों, नासा के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान है। क्या नाम है इसका?
न्यू होरिजन्स अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने नासा का एक अंतरिक्ष शोध संस्थान यहां भेजा था, किसके लिए? यम की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? अब पढ़ चुके हैं हम, आपको याद भी हो गया वो अब तक, तो 1930 में। कब? ऑप्शन बी 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की गई, यानी कि यम ग्रह की। देखिए यहाँ लिखा भी है प्लूटो ग्रह की खोज 18 फरवरी 1930 को क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बेग ने की थी। आईएयू संघ ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में संपन्न 26वीं महासभा में ग्रहों की जो परिभाषा स्वीकार की गई उसके आधार पर प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त कर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। सूर्य से इसकी दूरी 589 करोड़ किलोमीटर, व्यास 2300 किलोमीटर और परिक्रमण काल 248 वर्ष है। लेकिन ये सभा का सन याद रखिएगा, कब हटाया गया? 2006 में से ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, 2006 में अगस्त। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता है और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता? देखिए वही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था ना, किस तरह से पूछ सकता है, पूछ लिया उसने आरआरबी जेई में। तो राइट आंसर है प्लूटो, यानी कि यम, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो देखिए मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है दोस्तों यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों, यूरेनस ये मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्सेल ने यूरेनस की खोज की। यूरेनस दूरबीन द्वारा खोजे जाने वाला पहला ग्रह है। अरुण के ग्रह उपग्रह में सबसे बड़ा टीटेनियम है तथा अन्य उपग्रह हैं आवेरान, आम्ब्रियल, एरियल, मिरांडा एवं पोर्टिया आदि तथा फारडेलिया अरुण का सबसे छोटा उपग्रह है। ये क्वेश्चन आपको अन्य किताबों में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने भी बहुत सी किताबें देखी हैं दोस्तों, बच्चों को पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इसी बुक में अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हैं। देखिए क्या लिखा है, फारडेलिया अरुण का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह के 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं। इसका नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपिसलान है। वर्तमान में इन छल्लों की संख्या 10 हो गई। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, बहुत पूछा जाता है लेटा हुआ ग्रह कैसे कहते हैं, ठीक है, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं तथा इसके 27 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है उन्नतोदर चांद, ठीक है, उन्नतोदर चंद्र कहते हैं दोस्तों। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर चांद। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की अपेक्षा स्थितियों में परिवर्तन होते रहने के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा को प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक क्रमशः बढ़ता है और पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक क्रमशः घटता है। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील इन स्थितियों को चंद्र कलाएं या चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं इसलिए मैं आप सुन सके उसे। जब चंद्रमा अपनी कक्षा का 1/4 भाग पूरा करता है तो उसका आधा भाग पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, इसे अर्ध चंद्र कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा जब 3/4 भाग दिखाई पड़ता है तो उसे उन्नतोत्तर चंद्र कहते हैं। 15वें दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है, ठीक है, और चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई पड़ता है, कब? 15वें दिन, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा तिथि से 15वें दिन चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य होता है, जिसे अमावस्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, आप लगा सकते हैं इसको। देखिए पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हैं, किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? अभी मैंने आपको बताया था अदृश्य हो जाता है, कब होता है? 15वें दिन, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण केवल होता है, बात कह रहा है चंद्र ग्रहण केवल होता है तो ये होता है दोस्तों पूर्णिमा दिवस, यानी कि पूर्णिमा के दिन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अभी हमने इसीलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी जिससे आपको यहां पर दिक्कत ना हो। देखिए चंद्र ग्रहण केवल कब होता है? पूर्ण दिवस पर, यानी कि पूर्णिमा को। देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो देखिए क्या कह रहा,
रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पहले उसने पृथ्वी को बताया, तो यहां से आपको फैक्ट याद हो जाना चाहिए। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आप सुनिए, यह रात्रि के समय आकाश में सर्वाधिक चमकीला उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी स्टेट लेवल का एग्जाम भी हो, जहां जीके आएगा, भूगोल पूछा जाएगा, वहां क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। किसे? चंद्रमा को। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो राइट आंसर है अमावस्या को। अभी हमने पढ़ा था डिटेल में बहुत अच्छे से, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? अमावस्या में। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य का एक भाग दिखाई पड़ता है तो उसे अंशकालिक सूर्य ग्रहण, तथा जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए दिखाई नहीं पड़ता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अमावस्या के समय चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य हो जाता है। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो राइट आंसर है दोस्तों दो बार। ठीक है ना, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? दो बार। देखिए, एक माह में दो बार आधा चंद्र यानी कि चंद्रमा दिखाई पड़ता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। क्या है? सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, सूर्य एक तारा है तथा पूरे सौरमंडल का प्रधान है यानी कि मुखिया है। पहले भी मैंने आपको कहा था ये बात, ठीक है ना। सारे ग्रह उपग्रह इसी के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई पड़ता है। इसी कारण से जब सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा ही हमें दिखाई देता है जो हमें पृथ्वी से स्पष्ट नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो किसके ओर घूमता है दोस्तों चंद्रमा? बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि चक्कर लगा रहा है। किसकी? पृथ्वी का। ठीक है ना, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? ठीक है दोस्तों, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून है दोस्तों महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ठीक है ना, ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। देखिए, ध्यान से इसको सुनिएगा, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है। फार्म्स अल्मनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम की एक वर्ष में चार तिथियां 21 मार्च एवं 23 सितंबर तथा 21 जून तथा 22 दिसंबर मौसम की विभाजक तिथियां कहलाती हैं। एक वर्ष में चार खगोलीय मौसम इस प्रकार होंगे। कैसे होंगे? देखिए, पहला है 21 मार्च से 20 जून, दूसरा है 21 जून से 22 सितंबर, तीसरा है 23 सितंबर से 21 दिसंबर और चौथा है 22 दिसंबर से 22 मार्च। प्रत्येक खंड में लगभग 3 माह का होता है। प्रत्येक खंड में समानतः 3 पूर्णिमाएं होती हैं, किंतु प्रत्येक 2.7154 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमाएं होते हैं। 4 पूर्णिमाएं वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। ठीक है ना, 4 पूर्णिमा जिसमें 4 पूर्णिमा होंगी वह खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा।
इस खंड की चार पूर्णिमा में से तृतीय को ब्लू मून कहा जाएगा। आज का वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।